Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ishika Goswami and in today's video I'm going to discuss with you guys that how could you use green tea to remove acne. यानी कि ग्रीन टी को आप किस तरीके से यूज करें सो डेट आपके जो भी एक्ने हैं वो चीजें कम हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड विद मी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. लेट्स डिस्कस कि एक्ने हमें होते क्यों हैं, बिकॉज हम तभी उसका एक अच्छे तरीके से क्योर कर पाएंगे अगर हमें मेन रीजन पता हो कि होते क्यों हैं. सो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं. इट विल डिपेंड अपॉन कि आपको किस रीजन के चलते हुआ है. एक तो हमारे स्किन इन्फेक्शन के चलते हमें एक्ने होता है. दूसरा रीजन होता है कि मेडिसिन या कॉस्मेटिक्स के रिएक्शन से एक्ने होना. तीसरा होता है प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने. हमेशा बहुत लोगों को पीरियड्स होने के पहले भी एक्ने होते हैं. मीन्स दैट आर द साइंस की पीरियड्स हमें आने वाले हैं. और जो दूसरे रीजन है कि हार्मोनल डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस के चलते भी एक्ने होते हैं. सो दिस आर सम ऑफ द मेन रीजन एक्ने होने के. इन सारे रीजंस के चलते ही मेजरली लोगों को एक्ने होते हैं. सो इफ यू फील कि आपको इनमें से किसी एक रीजन के चलते हैं, सो आपको उस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए. एंड आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर जैसे आपको ज्यादा स्ट्रेस के चलते हो रहा है तो ट्राई टू टेक लेस स्ट्रेस. आई नो बोलने से नहीं होता, बट डू समथिंग जिससे आपको लाइक स्ट्रेस कम हो. अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जो एक्ने हो रहे हैं मेकअप या मेडिसिन या हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल्स को तो यू कांट कंट्रोल, बट अदर देन दैट थिंग अगर आपका कोई रीजन है सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स. अगर मेकअप प्रोडक्ट्स के चलते रहे तो ब्रांड स्विच कीजिए. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन टी रेमेडी फॉर एक्ने प्रॉब्लम. मान लेते हैं कि ग्रीन टी हेल्प क्यों करेगा आपके एक्ने वगैरह को कम करने में. वो इसलिए बिकॉज ग्रीन टी स्पेशली रिच इन EGCG दैट इज एपिगेलो कैटेकिन गैलेट. और अ पॉलीफेनोलेट रिसर्च हैज शोन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एक्ने एंड ऑयली स्किन. दैट इट आल्सो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज एंड एंटी ऑक्सीडेंट. EGCG प्रॉपर्टी जो ग्रीन टी में होता है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लिपिड लेवल विच इन रिटर्न विल हेल्प यू टू रिड्यूस द ऑयल सिक्रेशन दैट इज द सीबम सिक्रेशन, जिसके चलते मेन आपको एक्ने एंड ऑल चीजें हो रही है. ऑल्सो एक्सेस सीबम इन अवर फेस कैन क्लॉक द पोर्स. यानी कि जब एक्सेस सीबम एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है तो हमारे जितने भी पोर्स है उसको वो सीबम बंद कर सकते, जिसके चलते हमें हार्मोनल एक्ने होते हैं. सो द EGCG प्रॉपर्टी विच इज इन ग्रीन टी वो उस चीज को लाइक एज आई मेंशन अर्लियर सेक्रेशन ऑफ ऑयल सेक्रेशन ऑफ सीबम को हटा देता है. सो इस तरीके से आपके ऑयल्स आपका ऑयल जो सीबम सेक्रेशन वो तो रिड्यूस होता ही होता है. एंड अगर आपको इसके चलते जो हार्मोन जो क्लॉक पोर्स के चलते जो हार्मोनल एक्ने हो रहा है वो भी आपको नहीं होगा. लेट्स मूव ऑन टू द पैक कि इस ग्रीन टी को आपको अपने एक्ने में लगाना किस तरीके से है. लोग के साथ दो तरीके शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से ग्रीन टी को अपने एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन. सबसे पहले आप ग्रीन टी के जो लीव्स हैं, अगर आपके पास डिप वाले हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. एक डिप एक पैक को आप कट कर दीजिएगा. एंड इसके सिर्फ आपको ग्रीन टी के लीव्स चाहिए, डिप एंड ऑल करने से नहीं चलेगा. सो टेक सम लीव्स ऑफ ग्रीन टी एंड उस पत्तियों को थोड़ा सा पानी में क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा क्वांटिटी का कुछ इश्यू नहीं है. सो बस थोड़ा सा लीव्स को थोड़े से पानी में लेके बॉईल कीजिए एंड लेट इट कूल डाउन. कूल डाउन होने के बाद आप उसको एक बाउल में ले लीजिए एंड टेक अ कॉटन. तो ये जो ग्रीन टी का वाटर है इसको इस कॉटन बॉल में डिप कीजिए एंड आपको जहां जहां पे भी एक्ने है उस जगह में इसको आप बस लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए. आपको इसको सब जगह लगाना है. आपको अंडर आइज में लगाना हो तो वहां भी लगा सकते हैं. अगर आपको नहीं पता तो ग्रीन टी डार्क सर्कल्स को भी ट्रीट करता है. सो आप इसको वहां वहां पे लगा के बस छोड़ दीजिए. 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए. सो यू हैव टू डू दिस एवरी डे टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स. आप अगर सोचोगे कि आप सिर्फ इसको वीक में एक दो बार करके आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने वाले, तो ऐसा नहीं होगा. ट्राई टू डू दिस एवरी डे सो आपको फास्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको डिफरेंस बहुत जल्दी अपने स्किन में दिखने लगेगा. इन द नेक्स्ट रेमेडी आपने जो लीव्स को बॉइल किया था यू हैव टू टेक दैट लीव्स. एज आप देख सकते हैं मैंने लीव्स को लिया है
उस लीव्स को आपको लेना है एंड उसमें हल्का फुल्का पानी आएगा तो भी चलेगा. नेक्स्ट थिंग डेट यू हैव टू एड टू दिस लीव्स इज एलोवेरा जेल और हनी. मैं एलोवेरा जेल प्रिफर करती हूँ बिकॉज एलोवेरा जेल में भी अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है ग्लोइंग स्किन के लिए एंड एक्ने ट्रीट एंड एवरीथिंग के लिए. अगर आपको और यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल जानने हैं तो आई विल लीव इट इन द आई बटन. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो फॉर दैट, वहां से जाकर वो भी देख सकते. सो आई एम गोना एड एलोवेरा जेल टू दिस लीव्स. एज आई मेंशन क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही टीस्पून या टेबलस्पून आपको लगने वाला. अब आपको इसका पेस्ट बनाना है मिक्स करके. तो अब आपको जहां जहां पे एक्ने हुए हैं इस लीव्स मास्क को वहां वहां पे लगा के बस छोड़ दो. लेट इट सिट फॉर हाफ एन आवर, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर एंड उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको इसको वॉश कर लेना है. यूजुअल आपको इसको एटलीस्ट ये वाली चीज को तो आपको हर दो दो दिन में एक बार आपको करना ही है टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स एंड फास्टर रिजल्ट्स एज़ वेल. सो विद दिस हियर वी कम्स टू एन एंड. आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग माय वीडियो एंड आपके लिए मेरा वीडियो यूजफुल हो, हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी मेरे को सब्सक्राइब किया. वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड 100 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम सो 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 हैप्पी फॉर इट. थैंक यू सो मच गाइज, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड मैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे और कंटेंट्स लाते रहूंगी. जैसे अभी तक लाई हूँ वैसे और भी अच्छे अच्छे लाते रहूंगी. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड with me, subscribe to my channel and take care. Bye.